पाक फौज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कैटरन रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स के तहवील में वी छो आईएसपीआर है तो फैज हमीद की कोर्ट मार्शल के सिलसिले में टिन्हीं रिटायर्ड ऑफिसर्स के जब्तन की भंजकड़ी से तहवील में वरतो है। रिटायर्ड ऑफिसर्स संदन साथियों खिलाफ जांच जारी है। कुछ ऑफिसर्स खिलाफ मुल्क के अदम इस्तेकाम जो शिकार करने लाए सियासी गठजोड़ की जांच कई पी वे जरियन मूजिब इन वक्त रिटायर्ड फौजी ऑफिसर समेत अठन जणन के हिरासत में वरतो वो है। हिरासत में वरतल रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और रिटायर्ड कर्नल आसिम शामिल। त्रई ऑफिसर फैज हमीद और पीटीआई बानी विच में राबते जो जरियो हुआ। फैज हमीद असो असासो हो जैके जया कह वो। फैज हमीद जो मामलो फौज जो अंदरूनी है। फौज उन एतसाब कर चाहे थी तुझो उन को भी वास्तो ना है। अडियाला जेल में साफिन से गलंदे पीटीआई बानी चो फैज हमीद सा गड बेन जो बेहद साफ थे घुर्जे। समूरो मामलो मुझी गिरफ्तारी का शुरू थो उन भी जांच थे घुर्जे। मू अफगानिस्तान के मामले सबब जनरल फैज हमीद के हटाने न पे चाहिए वाजवा पांजे एक्सटेंशन लाए फैज हमीद के हटाए छोड़ो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगोड़न फौजन के दुश्मन की प्रोपेगंडा वाले खतरे का खबरदार कर छोड़ो। आर्मी चीफ जो अगोड़न फौजन के आज ही आणो तकरीब के खिताब कंदे जनरल आसिम मुनीर चैलेंजेस के मुकाबले लाए इतिहाद लचक जरूरी है। दुश्मन जाली खबरों और प्रोपेगंडा जरिए अवाम और फौज विच में तालुक के कमजोर करने लाए कंदो आहे जैके कौम की हिमायत से नाकाम बनाए वो। अगोड़न फौजन पारा पाक फौज की कयादत से एतमाद जो इजहार चैलेंजेस के मुकाबले लाए हिमायत जारी रखने वाले असम जो वर्चाव। सिंध काबीना सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा कायम करने की मंजूरी दे छी। मीरपुर खास में रेलवे लाइन लाए 1381 एकड़ जमीन डण 500 मेगावाट सोलर पार्क मांझन लाए 250 एकड़ जमीन डण कराची के सेंट्रल जिले में 612 एकड़ जमीन से 120 मेगावाट जो सोलर पार्क कायम करने की भी मंजूरी। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठे थे सिंध काबीना के इजलास में सेप्रा लाए 1,97,91,60,000 रुपया रखने की मंजूरी दी वही। मलीर में 600 एकड़न ते 150 मेगावाट जो सोलर पार्क कायम करने जो फैसलो। काबीना हब कैनाल की बहाली और वधिक कैनाल ठाने की मंजूरी दिनी। मुराद अली शाह चयो है इस्लाम कोट का शोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन विछाई वी। रेलवे लाइन विछाने से थर जो कोयलो मुल्क में तवानाई और बेन मनसूबन लाए ट्रांसपोर्ट थी सकंदो। सीनियर सूबाई वसीर शर्जील इनाम मेमन है तो एक साजिश तहत 9 मई जा वाकया कराया पाया। साजिशन में बानी पीटीआई जो हथो फैज हमीद की गिरफ्तारी का पोए टे गिरफ्तारियों थी। साजिश में बया सहूलतकार भी शामिल है। सिंध काबीना के इजलास का पोए मीडिया के ब्रीफिंग दींदे शर्जील इनाम मेमन साजिश तहत आरटीएस बंद कर एक शख्स के इकतदार में आंदो वो केतरा मानू साखिब निसार की साजिशन जो शिकार रहा। अज भी बानी पीटीआई की सहूलतकारी कर पो समूरू साजिशू एक एक कर वायकू थी रही। डिजिटल दहशतगर्दी जरिए नौजवान के गुमराह कर पो मुल्की सालमियत के नुकसान पहुंचाईंदड़न जो घेरो तंग कर पे वे। फैज हमीद टिन रिटायर्ड फौजी ऑफिसर लगे तो बी भी गिरफ्तारी थी। फैज हमीद जेके कदम कया उन में बानी पीटीआई की ख्वाहिश और रजामंदी शामिल हुई। वफाकी वजीर अता तरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में गलंदे अता तरड़ चयो त एक इदारे खुद एहतसाबी जो अमल शुरू कयो आहे। फैज हमीद बारे मामले की जांच जी अगते वधे पई लगे तो वधिक गिरफ्तारियों भी अमल में इंदियूं। इंतिशारी टोले जेको कुछ कयो उन जो एहतसाब जरूरी आहे। मुल्क हाने लैंड माफिया के हवाले है। छह घरू वजारत वजीर आजम ऑफिस का ताकतवर है। सच बुधायो तो वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन के कंजे हुक्म से हटाए वो नोटिफिकेशन पुठियां केर है। छो न काबीना सेक्रेटरी खिलाफ वर्दे जुर्म लागू क्यों
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जा मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों खिलाफ दाखिल दरख्वास्त के बुधनी दौरान रिमार्क्स। अदालत पारा काबीना सेक्रेटरी आईएनसीडीए चेयरमैन ते कावड़ जो इजहार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चयो त काबीना सेक्रेटरी वजीर आजम के बस के हेठा ढेको रही छो। फैसलो सभी की राय से थो तो सुप्रीम कोर्ट ला प्रोपेगेंडा छो पई कई वे। हाउसिंग आई टाउन प्लानिंग से घरू वजारत जो कड़ो तालुक है, छो न घरू वजारत के नोटिस मोकलू, समूरो गंद ही खत्म थी वे। कारूंजर जबल की रेंज एक ही है, उनके हिस्सन या टुकर में विराए न तो सकजे। कार सर्वे कारूंजर जो हिस्सो है, माइन्स ए मिनरल खातो खोटाई न तो कर सके। बिन हफ्तन में कारूंजर के तारीखी विरसो करार दई नोटिफिकेशन जमा कराए वही। सिंध हाईकोर्ट मीरपुर खास सर्किट बेंच कारूंजर के कार सर्वे वाले हिस्से के कटण वाले अमल के गलत करार दींदे तफसीली फैसलो जारी कर छो। जस्टिस अदनान अल करीम मेमण और जस्टिस अमजद अली बोहो से बधल सिंध हाईकोर्ट की बरुकनी बेंच 16 अक्टूबर 2023 ईस्वी वो सिंध हाईकोर्ट जो फैसलो बरकरार रखो। अदालत पांजे हुक्मनामे में चयो है ता खारसर के कटण वारो फैसलो गलत है, माइन्स ए मिनरल खातो खोटाई न तो कर सके। तारीखी आसार दरियाफ्त थियण की सूरत में खोटाई बे आलमी असूलन मूजिब थियण घुर्जे। जिन मंदिरन ए बिन तारीखी आसारन के असल शकल में बहाल कयो वञे। डीसी थरपारकर आहिनि, हद जो एसएचओ जिम्मेवार आहिनि त उहे कारूंजर ते खोटाई या बी का बि कमर्शियल सरगर्मी थियण न ॾींदा। आवाम के बिजली बिल्स में रिलीफ दियण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ ते गौर वीचार। नून लीग सरबराह नवाज शरीफ चयो आहे त बिजली जा महांगा बिल आवाम जी बर्दाश्त खां ॿाहिर आहिनि। पीटीआई जी हुकूमत महांगाई ऐं गरा बिल खणी आई, आवाम असां मां रिलीफ जी उमेद रखे थो। मुल्क के डिफॉल्ट खां बचाइण जीअं हाणे आवाम खे डिफॉल्ट खां बचाइण बि असांजो वॾो इम्तिहान आहे। नून लीग जे इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज शरीफ चयो त जिन मुल्क खे नुक़सान पहुचायो या अहिड़नि माण्हुनि जी हिमायत कई उन्हनि जो एहतसाब थियणु घुर्जे। मुल्क हाणे सही रुख में हली रहियो आहे, हिन वक़्तु एस्टेब्लिशमेंट बि हुकूमत सां गॾु बीठल आहे, गॾिजी फ़ैसिला करे उन्हनि खे अमल बि कयो वञे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई अगवान अजहर मसवानी के गुम थियल बिन भाइरन की बाजियाबी लाए हुकूमत के 20 अगस्त ताईं आखिरी मौको दई छो। घरू सेक्रेटरी डीजीएफआई ए डीआईजी पुलिस अदालत में पेश, बचाव वारो सेक्रेटरी मुल्क का बाहर होजन सबब पेश न थो। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब कावड़ जो इजहार कंदे है आईन के तब्दील कर असो अख्तियार खत्म कर छो, मुल्क के जी चाहे ती हल खबर न है मानुन के गुम करे रियासत छा हासिल करण चाहे थी। केपी जे इलाके खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 7 फारिज मारजी वया, 5 फारिज जख्मी। आईएसपी आर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस फारिज जी मौजूदगीअ वारी इतला ते खुरम वारे इलाइक़े में इंटेलिजेंस बुनियाद ते ऑपरेशन कयो वियो। मारजी वियल फारिजनि जी कब्जे मां वॾी तादाद में हथियार ऐं गोला बारूद बि हथ कयो वियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां ओलंपिक्स जे गोल्ड मेडलिस्ट अर्चन नदीम जी मुलाकात। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण मोहम्मद बख्श मर ऐं ॿियनि जी बि शिरकत। मुराद अली शाह चयो आहे त अर्चन नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो। ओलंपियन अर्चन नदीम क़ौम जो हीरो आहे। अर्चन नदीम जी सिंध जे गवर्नर सां बि मुलाक़ात। सिंधाई कोर्ट जे मना बावजूद मलीर जी सरकारी ऐं गैर सरकारी ज़मीन तां रेती बजरी खणण जो सिलसिलो रुकजी न सघियो। माइन्स एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ऐं पुलिस जी सरपरस्तीअ में मलीर नदी, थधो नदी, थधो डैम, सुखण नदी मां रेती बजरी खणण जो सिलसिलो जारी। रेती बजरी चोरी थियण सबबि थधो डैम टुटण जो ख़दशो वधी वियो। मलीर एक्सप्रेस वे जी आड़ में सरसब्ज़ इलाइक़नि मां रेती बजरी चोरी थियण सबबि जर जी सतह बि हेठि थी वई।
कुदरती आबशारन नदियों के वहकरन वारा इलाका सख्त मुतासर। चानका गर्ल्स हॉस्टल में शकी मानू नजर अचण वाले मामले ते शागिर्दन शागिर्दियाणन जो कॉलेज जी मुख गेट आडो टिन डीन खां एहतजाज जारी। शागिर्दन यूनिवर्सिटी इंतजामिया विच में गालियूं जारी। वाइस चांसलर गर्ल्स हॉस्टल में शकी मानू नजर अचण वाले मामले की जांच लाए कमेटी बेजोड़े छी। हैदराबाद में गुम थियल कैनेडियन शहरी दाऊद रिन के अगवा करण के शक में टे जणा गिरफ्तार। जरियन मूजिब नसीम नगर पुलिस टिन जणन के गिरफ्तार कर अणजातल हंध मुंतकिल कर छो है। पुलिस गिरफ्तारन की तरदीद कदे तो शकी मानू का पुछा गछा कई पई वे। दाऊद रिंद पेंजी अमर सा गड गुजरल ही गुम थियो हो। सिंध पंजाब में गर्मी की मोकलन बाद स्कूल खुली व्या। पेरे डीं शागिर्दन की हाजिरी घट रही। मुख्तलिफ हंधन से दर्सी किताब न मिलने जो भी शिकायतूं। कोटड़ी वासी सिंध यूनिवर्सिटी जा पंच शागिर्द पुरसरार नमूने गुम। वारिस परेशान लतीफ चौक दरियाबंद मलिक टाउन चारावासी सिराजुद्दीन अपड़ो शाहकार लाखेर साबिर अपड़ो वारिस अली कुंवारो जिशान अपड़ो गुम थी वया। वारसन जो चवण है तो शागिर्द नौजवान गुजरल ढी दोस्तन सा गड वण बाद घर नाहन मोटिया संदन मोबाइल फोन नंबर भी बंद आन। लाड़काने में हसास इदारन एफआईए की हवाला हुंडी हलाइंदड़न खिलाफ कार्रवाई। चार जवाबदार गिरफ्तार करंसी हथ। एफआईए अख्तियार मूजिब जवाबदारन के शाही बाजार में कार्रवाई दौरान इम्तियाज ज्वेलर्स सुभानला ज्वेलर्स फैजान ज्वेलर्स तां गिरफ्तार कर वो। गिरफ्तार जवाबदारन में इम्तियाज अली रहीम बख्श मुमताज अली अल्ताफ शामिल। जवाबदारन के कब्जे में गडल तौर ब करोड़ 66 लख रुपयन का वधिक पाकिस्तानी रकम 11625 इमाराती धरम 2810 सऊदी रियाल 100 का वधिक अमेरिकी डॉलर्स हथ कया वया। पाकिस्तान के दौरे ते पतल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जी लाहौर जे कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बांग्लादेशी टीम सुभाणे भी लाहौर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सो वठंदी। पाकिस्तान बांग्लादेश विच में पहिरीं टेस्ट मैच 21 अगस्त ते रावलपिंडी में खेॾी वेंदी।